हे माय लवली फूडीज, कनक्स किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको कोई रेसिपी नहीं बताऊंगी, लेकिन कुछ किचन टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी। मैंने पहले भी पार्ट वन रिलीज़ किया है, आपके बहुत सारे रिक्वेस्ट आए कि मैं और भी किचन टिप्स और ट्रिक्स बताऊं। तो आइए देखते हैं ये क्या है, ये किचन टिप्स और ट्रिक्स। जब भी आप मार्केट से स्प्रिंग अनियंस खरीदते हैं, तो इसे आप रफली चॉप करके किसी भी ग्लास जार या एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, और उसके बाद उसे अच्छे से लिड से कवर कर लीजिए और फिर इसे फ्रिज में रख दीजिए। इससे इसकी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी और ये ज़्यादा समय तक के फ्रेश रहेंगे। जब भी आप मार्केट से लेमन्स लाते हैं या नींबू लेके आते हैं, अगर वो चीप या सीजन में है तो आप बहुत सारे ले लेते हैं, तो ये ज़्यादातर के पीला होने लगता है। तो इसे बचाने के लिए आप इसे किसी क्लिंग रैप से या न्यूज़पेपर पीस से रैप कर सकते हैं और फिर इसे फ्रिज में रखिए। इससे इसकी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी और ये ज़्यादा समय तक के फ्रेश रहेंगे। जिस जार में आप चीनी रखते हैं, उसमें 6 से 7 लौंग डाल दीजिए और उसे स्लाइटली मिक्स कर लीजिए। इससे चीनी में चीटियाँ नहीं पड़ेगी। जब भी आप हरे मटर बॉईल करते हैं, तो इसमें 1/2 चम्मच चीनी मिला लीजिए और इसे स्लाइटली मिक्स कीजिए। इससे हरे मटर का कलर ज़्यादा समय तक ही ग्रीन रहेगा और ये पीले भी नहीं पड़ेंगे। अगर आपको अंडे की सफ़ेदी और योग को अलग करना है, और अगर आपके पास सेपरेटर नहीं है, तो आप सिंपली एक लाइट वेट बॉटल ले सकते हैं। इसे इन्वर्ट करके उसे प्रेस कीजिए और फिर उसे स्लोली रिलीज़ कर दीजिए। इससे वह योग को सक कर लेगा और फिर आप योग को अंडे की सफ़ेदी से आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, और इससे आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और कोई स्मेल भी नहीं आएगी। जब भी आप मार्केट से पनीर का चंक लेके आते हैं, और अगर आपको इसे बाद में यूज़ करना है, तो आप इसे किसी बोल में या डब्बे में पानी भर के सोक कर दीजिए एंड मेक श्योर कि इसका पानी पनीर के ऊपर तक के आए, और इसके बाद इसे रेफ्रिजरेट कर दीजिए। और इसके बाद आप रोज़ इसका पानी चेंज कर सकते हैं जब तक आप पनीर यूज़ नहीं करते। इससे पनीर आप 1 हफ्ते तक फ्रिज में रख सकते हैं। जब भी आपके माइक्रोवेव में कुछ खाना फैल के जल जाता है, तो बहुत ही गंदी स्मेल भी आती है, तो उसके लिए एक टिप है। आप एक बोल में 1/2 कप लेमन जूस या विनेगर, उसके साथ 1/2 कप पानी मिक्स कर लीजिए माइक्रोवेव सेफ बोल में। फिर इसे माइक्रोवेव कीजिए 4 से 5 मिनट तक। उसके बाद इसे सावधानी से निकालिए और अपने माइक्रोवेव को एक क्लीन कपड़े से साफ़ कीजिए। इससे इसके सारे दाग भी निकल जाएंगे और कोई स्मेल भी नहीं आएगी। जब भी आप मार्केट से एक्स्ट्रा नींबू लेके आते हैं, तो उसके लिए एक टिप है। आप सिंपली इसे एक बोल में स्क्वीज़ कर लीजिए, उसके बाद इसे छान लीजिए। उसके बाद ये नींबू का रस आप आइस ट्रे में फ्रीज़ कर सकते हैं 4 से 5 घंटे के लिए या पूरी रात तक के। एक बार वो फ्रीज़ हो जाए, फिर आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे नींबू के आइस क्यूब्स निकलते हैं। इसे आप किसी भी प्लास्टिक कंटेनर या जिप लॉक बैग में स्टोर कर सकते हैं एंड बाद में कोई भी डिशेस, कॉकटेल्स या मॉकटेल्स में यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली आप टोमेटो प्यूरे और सॉसेस के लिए भी ये टिप यूज़ कर सकते हैं। अदरक लहसुन की पेस्ट को ज़्यादा समय तक फ्रेश रखने के लिए, इसे पहले किसी स्टील के कटोरे में लीजिए, उसके ऊपर 1 टेबलस्पून गरम तेल डालिए और फिर मिक्स कीजिए। उसके बाद ये मिक्स किया हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डाल के इसे फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। इसे अदरक लहसुन ज़्यादा समय तक के फ्रेश रहेगी। जब भी आप अनियंस काटते हैं, तो इसका टॉप और एंड काट लीजिए पहले, और उसके बाद उसे आधे हिस्से में काट के उसकी स्किन निकाल दीजिए। उसके बाद आप ये अनियंस को पानी के नीचे थोड़ा सा धो लीजिए और उसके बाद आप इसे स्लाइस कीजिए। इससे आपकी आँखों में पानी नहीं आएगा। जब भी आप आटा गूंथते हैं पूरी बनाने के लिए, तो पूरी को क्रिस्पी बनाने के लिए आटे में 1 टेबलस्पून सूजी या रवा या फिर 2 टेबलस्पून चावल का आटा मिला दीजिए। ऐसा करने से आपकी पूरियाँ और भी क्रिस्पी बनेगी। जब भी आप चपाती बनाने के लिए गेहूं का आटा गूंथते हैं, तो उसे वार्म वाटर से गूंथिए और उसके साथ ही थोड़ा सा कुनकुना दूध भी मिलाइए और आटा गूंथिए। एक बार आटा गूंथ लिया आपने, उसके बाद इसे 20 से 25 मिनट तक के रेस्ट करने दीजिए। इससे आपकी चपातियाँ और भी सॉफ्ट बनेगी और वो ज़्यादा समय तक के सॉफ्ट रहेगी। जब भी आप ग्रीन चटनी बनाते हैं, धनिया और पुदीने की चटनी, उसमें 1 पिंच हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून लेमन का जूस ऐड करके मिक्स कर लीजिए। इससे आपकी चटनी का कलर ब्राइट ग्रीन रहेगा और वो ज़्यादा समय तक के ग्रीन रहेगा। कभी भी किचन में आपका कोई बर्तन या पैन जल जाता है खाना बनाने के समय, तो उसमें थोड़े से अनियंस चॉप करके डाल दीजिए और इसके ऊपर पानी डालिए। फिर इसे 3 से 4 मिनट तक के बॉईल कीजिए
और अपने कोई भी पाउडर या लिक्विड सोप से इसे धो लीजिए, तो इससे आपका जला हुआ बर्तन आसानी से साफ हो जाएगा। जब भी आपके घर में एक्स्ट्रा कुकीज़ या ब्राउनीज बच जाते हैं कोई भी पार्टी के बाद, तो ये बहुत आसानी से ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए एक टिप है, आप ये सारे कुकीज़ को एक अच्छे से एयरटाइट कंटेनर में डाल दीजिए और उसके ऊपर एक स्लाइस ऑफ ब्रेड को दो पीसेस में डाल के ऊपर से रख दीजिए और इसे लिड से अच्छे से कवर कर लीजिए। इससे उसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर ब्रेड ले लेगा और आपके कुकीज़ ज़्यादा समय तक के फ्रेश रहेंगी। जब भी आप चीज़ ग्रेट करते हैं किसी ग्रेटर से, तो ये थोड़ा सा स्टिकी और मैसी हो जाता है। तो इसके लिए एक टिप है, आप ग्रेटर को थोड़े से ऑयल या बटर के साथ ब्रश कर लीजिए और उसके बाद चीज़ ग्रेट कीजिए। इससे वो स्टिकी और मैसी नहीं होगा और आपका प्रोसेस बहुत ही आसान और साफ़ हो जाएगा। जब भी आप चीज़ का ब्लॉक आधा यूज़ करते हैं तो ऊपर से ड्राई होने लगता है, तो इसके लिए एक टिप है, आप उसका ऊपर का हिस्सा बटर या ऑयल से अच्छे से कोट कर लीजिए और उसके बाद इस चीज़ क्यूब को एक एल्यूमिनियम फॉइल से अच्छे से ढककर फ्रिज में रखिए। जब भी आप कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं तो आप उसमें आइस क्यूब्स डालते हैं, जिससे कि वो कोल्ड कॉफ़ी वाटरी हो जाती है। इसके बदले आप कॉफ़ी का पानी किसी भी आइस ट्रे में डाल के उसे ओवरनाइट फ्रीज कर लीजिए। उसके बाद आपको ये कॉफ़ी फ्लेवर्ड आइस क्यूब्स मिलेंगे। एंड जब भी आप कॉफ़ी बनाते हैं, आप ये कॉफ़ी फ्लेवर्ड आइस क्यूब्स उसमें डाल सकते हैं, इससे आपकी कोल्ड कॉफ़ी का फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा। जब भी आप आलू काटते हैं किसी ग्रेवी में डालने के लिए या फिर फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए, तो इन कटे हुए आलू को एक ठंडे पानी के बोल में अच्छे से सोक करके रखिए 2 से 3 घंटे तक। इससे उसका एक्सेस स्टार्च निकल जाएगा और आपके फ्रेंच फ्राइज और भी क्रिस्पी बनेंगे। ज़्यादातर हम जो घर में ब्लेंडर या मिक्सी यूज़ करते हैं, उसके ब्लेड का धार ईजिली निकल जाता है, तो इसे शार्प करने के लिए आप ब्लेंडर में नमक डालिए और इसे 30 से 40 सेकेंड तक के चलाइए, तो इससे आपके मिक्सी की ब्लेड की धार आसानी से घर में ही तेज हो सकती है और इसे आप हर 25 से 30 दिन में कर सकते हैं। जब भी आप पहले से ही बोल में सैलड काट के रखते हैं, तो इसे ज़्यादा समय तक के फ्रेश रखने के लिए इसके ऊपर हल्का गीला कपड़ा या नैपकिन रख दीजिए और उसके बाद इसे टाइटली क्लिंग रैप से पैक कर लीजिए और उसके बाद इसे फ्रिज में रख दीजिए। ऐसा करने से आपका सैलड 5 से 6 दिन तक के फ्रेश रहेगा। लहसुन को आसानी से छीलने के लिए इसे किसी माइक्रोवेव प्लेट में रख के इसे 15 से 20 सेकेंड तक के माइक्रोवेव कीजिए और उसके बाद इसे अपने हाथों से थोड़ा सा शेक कीजिए। इसे इसकी स्किन अपने आप ही आसानी से निकल जाएगी और आप इसे ईजिली रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आप ये छिले हुए लहसुन को किसी एयरटाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दीजिए। जब भी आप मार्केट से एक्स्ट्रा ग्रेप्स लेके आते हैं, तो आप इसे ओवरनाइट फ्रीज भी कर सकते हैं। इससे आपको फ्रोजन ग्रेप्स मिलेंगे स्नैकिंग के लिए, जो कि गर्मियों में बहुत ही अच्छे होते हैं। और दूसरा टिप, आप अगर रेड वाइन और वाइट वाइन यूज़ करते हैं, तो आप अपने ग्रीन ग्रेप्स को वाइट वाइन में और अपने रेड ग्रेप्स को रेड वाइन में डाल के इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी वाइन भी चिल्ड हो जाएगी और उसमें पानी भी नहीं आएगा। जब भी आप बनाना खाते हैं, तो उसकी स्किन को मत फेंकिए। बनाना की स्किन में बहुत सारा पोटेशियम होता है, जो कि आपके डार्क सर्कल्स और रिंकल्स को आसानी से रिमूव कर सकता है। तो इसके लिए आप उसकी स्किन लीजिए पीला पार्ट बाहर और अपने आइस के ऊपर और अंडर आइस पर इसे धीरे धीरे रब कीजिए, और एक बार ये सूख जाए तो इसे पानी से धो लीजिए। ऐसा करने से आपकी आइस में डार्क सर्कल्स और पफिनेस नहीं आएंगी। जब भी आप पत्ता गोभी को पकाते हैं, तो उसमें थोड़ी सी स्मेल आने लगती है, तो इसे बचाने के लिए आप उसमें एक तेज पत्ता डाल सकते हैं और उसके बाद उसे कुक कीजिए। इससे उसकी स्मेल भी कम हो जाएगी और ये आपकी पत्ता गोभी को बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी देगी। जब भी आप मार्केट से फ्रेश धनिया लेके आते हैं, तो इसे अच्छे से वॉश करके और क्लीन कर लीजिए और उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दीजिए। उसके बाद इसे हल्के गीले कपड़े, टॉवल या पेपर नैपकिन में रैप करके एक एयरटाइट कंटेनर में डाल दीजिए या फिर एक ज़िपलॉक बैग में डाल दीजिए। इससे आपकी धनिया फ्रेश रहेगी ज़्यादा समय तक। अपने दालों को कीड़ों से बचाने के लिए दाल में 1 से 2 सूखी लाल मिर्च डाल दीजिए या फिर आप 2 से 3 तेज पत्ता भी डाल सकते हैं। ऐसा करने से उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे और ये ज़्यादा समय तक ये फ्रेश रहेगी।
और जो दालें आप ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं उसे आप एक एयरटाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दीजिए। इसी तरह से आप 2 से 3 तेज़पत्ता उस डब्बे में डालिए जिसमें आप ज़्यादातर के गेहूं का आटा, चावल का आटा या और कोई आटा रखते हैं। इससे उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। जब भी आप डीप फ्राई करने के लिए किसी भी कढ़ाई में तेल गरम करते हैं तो इसमें 2 पिंच नमक ऐड कर लीजिए। इससे आपका खाना डीप फ्राई करते समय ज़्यादा तेल नहीं सोखेगा। जब भी आप पूरियां बनाते हैं तो आप अपनी बेली हुई पूरी फ्रिज में 10 मिनट तक के रख लीजिए और उसके बाद इसे फ्राई कीजिए। इससे आपकी पूरियां कम तेल सोखेंगी और ये ज़्यादा समय तक के क्रिस्पी रहेंगी। जब भी आप पनीर को शैलो फ्राई या डीप फ्राई करते हैं किसी भी ग्रेवी में डालने के लिए, वो थोड़ा सा चूई और रबरी हो जाता है बार बार गर्म करने के बाद। तो इसके लिए एक टिप है, आप पनीर को फ्राई करने के बाद इसे डायरेक्टली नमक वाले गर्म पानी में डाल दीजिए। इससे पनीर ज़्यादा समय तक के सॉफ्ट, मॉइस्ट और जूसी रहेगा, क्योंकि गर्म पनीर मॉइस्चर को आसानी से सोख लेता है और वो ज़्यादा समय तक के फ्रेश रहेगा। सो गाइस, मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं कि मैं अपने वीडियोस हिंदी में बनाऊँ, तो आज मैंने ये कोशिश की है। तो अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक बाय बाय।